हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वाला वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे सृजन इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज एक नया वाला वीडियो लेके आए आप लोग के लिए। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम किस तरीके से करना है, मोटर में कनेक्शन करना है, उसका बारे में आज हम लोग सीखने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा सामने में कुछ हमारा कॉन्टेक्टर है, MCB है और ओवरलोड रिले है। इसको ही हम पावर कनेक्शन जो हमारा स्टार्टर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसमें हमारा इस चीज लगता है हमको स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर का कनेक्शन करना है। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, तीन हमारा कॉन्टैक्टर चाहिए और हमारा एक ओवरलोड रिले चाहिए और हमारा एक MCB चाहिए जो कि हमारा 3 पोल MCB होगा। तो दोस्तों ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है MCB है, इसको हम प्रैक्टिकली कनेक्शन करके आप लोग को दिखाऊंगा। उसका पहले मैं इसका जो डायग्राम है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ, उसका बाद ही मैं आप लोग को प्रैक्टिकली कनेक्शन करके बताऊंगा किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। क्योंकि आप इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है उसका पावर वायरिंग आपको करने के लिए बोलेगा। तो वो आप आज का वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम पावर वाला। तो मैं एक डायग्राम बनाया उसको मैं आप लोग को मैं पहले समझा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें हमारा क्या आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ये हमारा क्या इनपुट साइड है, ये हमारा इनपुट साइड है। इनपुट साइड में हमारा क्या 415 वोल्ट AC सप्लाई आ रहा है। तो उसका बाद हम इधर एक MCB कनेक्शन किया जो कि हमारा जो मोटर होगा उसमें हमारा मेन पावर सप्लाई जो है उसको ऑन ऑफ करने के लिए मैं इस तरीके से एक MCB लिया हूँ। तो इसको हम इधर कनेक्शन किया है। तो उसका बाद ही हमारा क्या मेन पावर कॉन्टेक्टर जो है वो हम कनेक्शन किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा पावर कॉन्टेक्टर जो है मेन पावर कॉन्टेक्टर एक लगा है, उसका बाद हमारा डेल्टा वाला एक पावर कॉन्टेक्टर लगा है, उसका बाद हमारा स्टार वाला एक पावर कॉन्टेक्टर लगा है। तो हमको स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करना है तो आपको तीन कॉन्टेक्टर जरूरत होगा। उसमें हमारा क्या एक मेन पावर कॉन्टेक्टर होगा, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर होगा और एक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होगा। उसका बाद दोस्तों ये हमारा ओवरलोड रिले है। तो मैं पहले आपको इधर समझा देता हूँ इधर हमारा किस तरीके से कनेक्शन हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा आर फेज हो गया, ये हमारा वाई फेज हो गया, ये हमारा बी फेज हो गया, ये हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है इसमें जो हमारा जिधर L1, L2 और इधर L3 लिखा रहेगा उधर हमारा कनेक्शन होगा। L1 का जगह पे R फेज, L2 का जगह पे Y फेज, L3 का जगह पे B फेज कनेक्शन करना है। तो आपको कभी भी कनेक्शन करना है आपका जो फेज है उसको आपको बराबर रखना है। मतलब इसमें आप L2 का जगह पे आप Y फेज कनेक्शन किया तो आपका जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसमें भी आपको L2 Y फेज में कनेक्शन करना है। तो इस तरीके से मैं जिस तरीके से कनेक्शन किया इस तरीके से सेम टू सेम आपको भी कनेक्शन करना पड़ेगा। उसका बाद जैसा हमारा मेन पावर कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो हमारा इसमें हमारा आर फेज, वाई फेज और बी फेज इधर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद इधर हम ओवरलोड रिले कनेक्शन किया है। ओवरलोड रिले जो होता है दोस्तों हमारा जो मोटर होता है मोटर को हमारा प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग ओवरलोड रिले कनेक्शन करता है। तो ओवरलोड रिले किसके लिए कनेक्शन करता है, ओवरलोड रिले हमारा मोटर को ओवरलोड में प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग ये ओवरलोड रिले यूज करता हूँ। तो उसका बाद इधर से हमारा आर फेज, वाई फेज, बी फेज आके ये हमारा मोटर है इसमें हमारा कनेक्शन हुआ है। उसका पहले मैं आगे आप लोग को समझा देता हूँ ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है दोस्तों। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर में सेम हमारा मतलब MCP का जो आउटपुट है इधर से हमारा आर फेज आया है ये हमारा, उसका बाद हमारा वाई फेज आया है, उसका बाद हमारा बी फेज आया है। तो आपका जो MCB होगा इनपुट से ये जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसमें भी हमारा इनपुट सप्लाई आएगा और इधर का MCB का आउटपुट से हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसमें भी हमारा इधर से सप्लाई आएगा, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो इतना तक हमारा सप्लाई आ गया है। आगे में जैसा इस वाला कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा तो हमारा जो सप्लाई है डायरेक्ट हमारा मोटर में आ रहा है। तो उसका पहले ये जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है स्टार कॉन्टेक्टर किस तरीके से कनेक्शन रहता है, स्टार कॉन्टेक्टर में ऊपर में जो हमारा तीन टर्मिनल होगा जैसा हमारा L1, L2 और L3, ये तीन टर्मिनल को आपस में ऐसा करके लूपिंग करके आपको शॉर्ट कर देना पड़ेगा। तो ये आपका स्टार कॉन्टेक्टर हो गया है। उसका बाद इसका आउटपुट से ये आर फेज लेके जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसका इधर कनेक्शन कर देना पड़ेगा। उसका बाद जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का वाई फेज है उसको आप इसका जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसमें आपको वाई फेज में कनेक्शन कर देना है। उसका बाद ये जो आपका बी फेज है बी फेज का जो मतलब फेज बी फेज लाइन है तो इसको आपको इसका बी फेज में आपको कनेक्शन कर देना पड़ेगा। तो आप इधर कनेक्शन कर दिया तो इधर से वायर आके हमारा मोटर में कनेक्शन हुआ है। तो
तो अभी मैं आप लोग को इस जो मोटर है मोटर में किस तरीके से कनेक्शन हुआ है, जो हमारा ओवरलोड ड्रिल है इसका आउटपुट से तीन वायर आया है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, और जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसमें से भी हमारा आर फेज, वाई फेज और बी फेज, मतलब तीन वायर आया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं मोटर जो होता है हमारा थ्री फेज मोटर के लिए जो हम लोग स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर यूज करता है उस पर हमारा छह टर्मिनल होगा मोटर में। इस तरीके से आप लोग देखा होगा इसमें हमारा छह टर्मिनल है, तो इसमें भी हमारा छह टर्मिनल है, इस साइड में तीन है और इस साइड में हमारा तीन टर्मिनल है। तो तीन टर्मिनल जिस साइड में होगा, इस साइड में हमारा तीन टर्मिनल है, इस तीन टर्मिनल जो दोस्तों होगा इसमें हमारा एक डब्ल्यू वन होगा, वी वन होगा और यू वन होगा, और एक साइड में इस साइड में जो हमारा टर्मिनल होगा इधर हमारा क्या होगा, डब्ल्यू टू होगा, यू टू होगा और वी टू होगा। तो ये देख रहा है हमारा इसमें हमारा डब्ल्यू वन जिधर लिखा है उसका सीधा में हमारा वी टू है, और जो वी वन है इसका सीधा में हमारा यू टू है, और यू वन का जगह पे आपका डब्ल्यू टू है। वो किस तरीके से, तो इधर में जिस तरीके से एक डायग्राम बनाया आप लोग देख पा रहा है, इसमें देख रहा है यू वन, वी वन और डब्ल्यू वन, तो इसका सीधा में किस तरीके से कनेक्शन है, सीधा देख रहा है इधर ऐसा है, मतलब डब्ल्यू वन का सीधा में हमारा वी टू है और वी वन का जगह पे सीधा उसका सीधा हमारा यू टू है और यू वन का सीधा में हमारा डब्ल्यू टू है। तो इस तरीके से मोटर में हमारा कनेक्शन है। तो इसमें किस तरीके से कनेक्शन हुआ दोस्तों, पहले भी मैं स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर में जो वायर रहता है छह वायर उसको किस तरीके से मोटर में कनेक्शन करना है वो मैं बताया। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या, जो मोटर है इसमें हमारा वाइंडिंग रहता है, जो वाइंडिंग रहता है उसमें हमारा दो एंड पॉइंट होता है। तो जो U1 है, U1 का एंड पॉइंट देख रहा है इधर है, U2 इधर है, U1 इधर है, तो इस तरीके से हमारा मोटर का अंदर में कनेक्शन है। तो हमारा जो वाइंडिंग है इस वाला वाइंडिंग है, तो इसमें हम इस साइड में आर फेज सप्लाई दिया है, तो इधर हम वाई फेज सप्लाई दिया है, देख रहा है ये अंदर में हमारा वाइंडिंग ऐसा है, तो इधर हम आर फेज सप्लाई दिया है, तो इधर हम वाई फेज सप्लाई दिया है। तो इस तरीके से इधर भी देख रहे हैं, इधर हमारा U1 का जगह पे हम आर फेज कनेक्शन किया है, U1 का जगह पे आर फेज कनेक्शन किया है, तो आपका U2 का जगह पे देख रहे हैं वाई फेज कनेक्शन किया है। तो इस तरीके से हमारा जो वी वन है, वी वन का वी वन का दूसरा एंड वी टू है, मतलब ये हमारा वी वन है, तो वी वन का दूसरा तरफ ये हमारा वी टू है, तो इधर हम वाई फेज कनेक्शन किया है, तो दूसरा एंड में हम बी फेज कनेक्शन किया, देख रहे हैं ये हम बी फेज कनेक्शन किया है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो उसका बाद ये जो देख रहे हैं हमारा डब्ल्यू वन है, तो इधर हमारा डब्ल्यू वन का सीधा में डब्ल्यू वन जो है, डब्ल्यू वन का दूसरा एंड कौन सा है, ए वाला है डब्ल्यू टू, तो इधर देख रहे हैं डब्ल्यू वन का जगह पे हम बी फेज कनेक्शन किया है, और जो हमारा डब्ल्यू टू है इधर हम आर फेज कनेक्शन किया है, जो हमारा डब्ल्यू टू है इधर हम आर फेज कनेक्शन किया है। मतलब दोस्तों इसमें देख रहे हैं और एक हमारा कॉयल है, ए वाला एक कॉयल है, तो मोटर का इसमें हमारा देख रहे हैं डब्ल्यू, ए हमारा डब्ल्यू वन है, तो ये हमारा डब्ल्यू टू है, तो डब्ल्यू वन का जगह पे हम बी फेज कनेक्शन किया है, ये हमारा बी फेज कनेक्शन किया है, तो उसका जो दूसरा एंड है इसमें हम आर फेज कनेक्शन किया है। तो जैसे हम मोटर में कनेक्शन किया है, तो इधर आपको जैसा सीधा लग रहा है तो इसीलिए मैं आप लोग को समझा दिया किस तरीके से हमारा मोटर में कनेक्शन होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा स्टार डेल्टा जो कॉन्टेक्टर होता है उसमें हमारा इस तरीके से कनेक्शन होता है। दोस्तों अभी मैं कॉन्टेक्टर के साथ इस मोटर को कनेक्शन करके आप लोग को दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तो भी आप लोग को पूरा कनेक्शन समझ में आ जाएगा। दोस्तों दोस्तों अभी स्टार डेल्टा स्टार्टर का मैं कॉन्टेक्टर के साथ मोटर कनेक्शन कर लिया, वो मैं आप लोग को ड्राइंग के साथ समझा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोग को पहले बताया था एक हमारा एमसीबी होगा, तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एमसीबी है, तो एमसीबी का ऊपर वाला साइड में इधर हमारा इनपुट सप्लाई आर फेज, वाई फेज, बी फेज इनपुट हो गया, उसका बाद इधर हमारा आउटपुट है, आउटपुट में हम दो दो वायर लगाए जो कि हमारा आर फेज, वाई फेज, बी फेज, एक हमारा जो मेन पावर कॉन्टेक्टर है इसमें आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें हमारा आ रहा है, तो इसमें हमारा जिधर आपका L1 L2 लिखा रहेगा उधर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, इधर R फेज, Y फेज, B फेज हम कनेक्शन कर दिया,
और इधर से सेम जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी का आउटपुट से आर फेज वाई फेज लेके हम ए वाला जो है ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ए वाला जो है हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर में हम L1, L2 और L3 के जगह पे कनेक्शन किया है, L1 के जगह पे आर फेज वाई फेज बी फेज ऐसा करके कनेक्शन किया है। तो उसका बाद नीचे में मैं ड्राइंग पे जिस तरीके से समझाया था देख रहा है, हमारा एमसीबी का आउटपुट से हमारा जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसमें हमारा पावर सप्लाई आ गया आर फेज वाई फेज बी फेज। उसका बाद हमारा स्टार कॉन्टैक्टर में इस तरीके से कनेक्शन किया है जो कि आप लोग को मैं बताया था, इसमें आपको लूपिंग करके शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें आप लूपिंग करके ऊपर में शॉर्ट कर दिया और जो हमारा आउटपुट है आर फेज वाई फेज बी फेज ये तीन वायर हम लेके ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है डेल्टा कॉन्टैक्टर में आर फेज वाई फेज में हम कनेक्शन कर दिया। तो इधर से हमारा तीन वायर निकल के इस मोटर में आया है जो कि हमारा आर फेज वाई फेज बी फेज ये हमारे क्या डेल्टा कॉन्टैक्टर से आया है। जिस तरीके से ड्रॉइंग पे मैं देखा था डेल्टा कॉन्टैक्टर से हमारा तीन वायर आएगा आर फेज वाई फेज बी फेज, तो इस तरीके से हमारा मोटर में भी डेल्टा कॉन्टैक्टर से तीन वायर आया है। और एक हमारा क्या है जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर के बाद ये जो है ये हमारा क्या ओवरलोड रिले है, इसमें भी ड्रॉइंग पे मैं बताया था मेन कॉन्टैक्टर के बाद ही हमको ओवरलोड रिले कनेक्शन करना है। तो इधर हम ओवरलोड रिले कनेक्शन किया, ओवरलोड रिले का आउटपुट से हमारा तीन वायर आके मोटर में कनेक्शन हुआ है। तो देख रहे हैं ये हमारा ओवरलोड रिले है, तो ओवरलोड रिले का आउटपुट से आर फेज वाई फेज बी फेज आके हमारा मोटर में कनेक्शन हुआ है। और जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है उसमें जो हमारा ओवरलोड रिले लगा है दोस्तों, एक चीज याद रखेगा T1 T2 T3 जिधर लिखा रहेगा उधर आपका लोड कनेक्शन होगा, मतलब मोटर कनेक्शन होगा, क्योंकि आप इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो ये आपको पूछ सकता है जो कॉन्टैक्टर रहता है, नहीं तो ओवरलोड रिले रहता है उधर आपको इनपुट सप्लाई किधर देना है, आउटपुट सप्लाई किधर देना है, इनपुट सप्लाई किधर देना है, जिधर आपका L1 L2 लिखा रहेगा उधर आपका हमेशा इनपुट सप्लाई कनेक्शन करना है, और जिधर आपका T1 T2 T3 लिखा रहेगा उधर आपको लोड कनेक्शन करना है, मतलब आपको मोटर कनेक्शन करना है, उधर आपका आउटपुट लाइन कनेक्शन होगा। आप शायद अभी समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं जिस तरीके से आप लोग को बताया था ये जो हमारा मोटर है मोटर का टर्मिनल किस तरीके से रहता है, जैसा कि मैं आप लोग को इस वाला ड्रॉइंग पे समझाया था देख रहे हैं किस तरीके से हमारा है मोटर में, इधर हमारा E1 ये हमारा क्या V1 और W1, उसका बाद ऊपर में सीधा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें हमारा W2 और हमारा U2 और V2। तो इधर मैं बताया था जिधर हमारा V2 U2 और W2 होगा इधर हमारा क्या डेल्टा कॉन्टैक्टर से वायर आके कनेक्शन होगा। तो देख रहे हैं ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, तो डेल्टा कॉन्टैक्टर से वायर आके हमारा W2 U2 V2 का जगह पे कनेक्शन हुआ है। उसका बाद जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है उसमें जो हमारा ओवरलोड रिले लगा है, ओवरलोड रिले से जो हमारा वायर आ गया वो हमारा क्या E1 V1 W1 पे कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से E1 V1 W1 पे मोटर में कनेक्शन हुआ। तो मोटर में हमारा 6 टर्मिनल है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें हमारा मैं किसे कैसा बताया था आप लोग को, इसका जो E1 टर्मिनल है इसका दूसरा जो एंड है ये हमारा क्या U2 होगा। तो इधर हम आर फेज कनेक्शन किया, तो इधर हम वाई फेज कनेक्शन किया। तो उसका बाद दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं V1, तो V1 का जगह पे हम वाई फेज कनेक्शन किया, इधर भी हम लोग देख रहे हैं वाई फेज कनेक्शन किया है, ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर के जो वायर है वही हम कनेक्शन किया। तो उसका नेक्स्ट वाला जो एंड वाला पॉइंट है इधर हमारा V2 है, तो V2 का जगह पे हम बी फेज कनेक्शन किया है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैं ड्रॉइंग पे जिस तरीके से आप लोग को समझाया तो इस तरीके से मैं प्रैक्टिकली कनेक्शन किया है। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं W1 है, तो W1 का जगह पे हम बी फेज कनेक्शन किया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा बी फेज है, ये हमारा जो ओवरलोड रिले है इसका आउटपुट से जो वायर है वही हमारा कनेक्शन हुआ है। W1 का जगह पे हम बी फेज कनेक्शन किया, इसका दूसरा एंड जो है ये हमारा W2 है, तो W2 का जगह पे देख रहे हैं हमारा आर फेज कनेक्शन हुआ है। तो इधर भी देख रहे हैं W2 का जगह पे हमारा आर फेज कनेक्शन हुआ है, जो कि हमारा ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इधर से हमारा सप्लाई आया है। देख रहे हैं ये हमारा आर फेज जो है ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर से सप्लाई आया है W2 में। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टार डेल्टा जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसमें वायरिंग इस तरीके से मोटर के साथ आप कर सकता है। तो दोस्तों स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर के बारे में आपको और कोई जानकारी जानना है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर एक कमेंट करें, तो मैं उसका ऊपर रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों, और उसका ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम का ऊपर था, यह वीडियो इतना तक ही है, अगली एक नया वीडियो के साथ मिलता हूं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इस तरीके से वीडियो बनाएगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से हमारा वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना तक ही बताना था दोस्तों, अगले एक नया वाला वीडियो के साथ मिलता हूं दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।